So what is your viewpoint on that? उन्होंने opinion उनका है तो मैं उसमें क्या comment करूँ? किसी आप क्या देखते हैं ऐसे? नहीं मैं क्या बोल सकती हूँ उसपे? किसी ने कहा है कोई कोई किसी को Oscar के लिए बोलेगा nominate करो तो मैं उसपे मैं क्या comment कर सकती हूँ? मैम जो opposition parties की meeting आज हुई है क्या आपको लगता है कि opposition parties का एक role बनता है? देखिए मुझे इलेक्शन कब हो क्या हो दैट इज नॉट माय प्रायोरिटी पर जो जहां हमारे मुश्किलात है जम्मू कश्मीर में खासकर 2019 के बाद तो हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव गए हैं रीन साहब जनरल सेक्रेटरी हमारे ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कितनी मुश्किलात है लोगों को कितना यहां पर सप्रेशन है कितनी यहां पर नौकरियों में धांधलियाँ होती हैं कितना यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर के लोगों को दिए जाते हैं यहाँ के जो लोगों की जो रेत हो बाजरी हो जो लिकर हो कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर के लोगों को दिए जाते हैं और यहाँ के लोगों को इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो चुकी है यहाँ की लोकल्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती है ज़मीन में बल्कि आउटसाइडर्स को कहा जाता है यहाँ तक कि आज तक 2019 से लेकर आज तक कोई भी आउटसाइडर ने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप नहीं की कोई उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी खासकर अगर आप जम्मू को देखें जम्मू में दरबार मुंह बंद होने के बाद जम्मू का जो मार्केट का जो यहाँ पर है वो बिल्कुल ठप हो गया है बैठ गया है इकोनॉमी यहाँ की ठप हो गई है और जम्मू में सबसे ज्यादा बाहर के लोगों का आना और बसना शुरू हो गया है। मैडम एक मैडम सवाल है जिस तरह से प्रिवेलिंग सिचुएशन है हमने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की गई उसको लेकर कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात जो है वैली जैसे हैं आप किस तरह से देखते हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करने की कोशिश और सारा ह्यूमन क्राइम वो तो बहुत बुरा है पर हमारे यहाँ तो लोग मिनिस्टर्स एक्स मिनिस्टर्स होम मिनिस्टर उनको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं तो ये तो मसला तो कोई मुझे लगता है डिफरेंट नहीं है अगर वहाँ पर इमरान खान को वो बंद करना चाहते हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी वो भी जेल गए हमारे यहाँ और ये तो कानून की बात है मगर हमारे यहाँ तो इस वक्त जो हो रहा है जो ईडी और सीबीआई का जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है जो अपोजिशन के लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाए जैसे सिसोदिया की बात करें ये जो के कविता की बात करें जिसको बुलाया गया है ये लालू प्रसाद यादव की बात करें शिवसेना के जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है तो ये तो मुझे लगता है कोई पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं हो रही है जो यहाँ नहीं हो रही है एग्जाम डेफर हो चुके हैं लेकिन अभी एपटेक को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है एग्जाम डेफर करना तो अच्छी बात है मगर जब तक एपटेक को आप बाहर नहीं करेंगे जो असली समस्या का जो असली वजह है उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तो तब तक तो कोई फायदा नहीं है एपटेक को दूर करके या तो एस एस आर भी खुद एग्जाम कंडक्ट करे या किसी ऐसी एजेंसी को एम्प्लॉय करे जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो तब बात बनेगी खाली एग्जाम डेफर करना तो मैम एनजी टॉक अबाउट द बैक डोर एंट्री व्हाट विल यू से अबाउट दैट सॉरी जो कैंडल मार्च किया था आपने जेके एसएसबी के खिलाफ बच्चों के फेवर में वो सक्सेसफुल हो गया नहीं देखिए वो तो अधूरा है अभी तो खाली एग्जाम डेफर हुए हैं अभी तो एपटेक को बाहर करना है उनके खिलाफ एक्शन करना होना चाहिए जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया और उसके बाद कोई नई एजेंसी को एम्प्लॉय करके एग्जाम होने चाहिए अभी तो ये अधूरी बात है मैम एलजी साहब तो ठीक रहे आप पर तोड़ आपका एक बयान आया